2024 लोकसभा चुनाव में जहां बीजेपी को झटका लगा है, तो वहीं दूसरी ओर नागपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के नेता केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जीत दर्ज की है। नितिन गडकरी ने कांग्रेस के कैंडिडेट विकास ठाकरे को मात दी है। ऐसे में जब बीजेपी को अपने बूते पर स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा है, तब क्या नितिन गडकरी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? क्योंकि नितिन गडकरी के हमेशा राष्ट्र स्वयंसेवक संघ RSS से हमेशा अच्छे रिश्ते रहे हैं। यह भी संयोग है कि वह जिस लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं, संघ का मुख्यालय भी उसी में आता है। इस बार चुनाव में नितिन गडकरी नए संकल्प के साथ मैदान में उतरे थे। उन्होंने कहा था कि बिना पोस्टर लगाए यह चुनाव प्रचार किया था। नितिन गडकरी बीजेपी के ऐसे नेता हैं जिनके नाम पर विपक्ष के कुछ दल भी समर्थन दे सकते हैं। महाराष्ट्र से PM बनाए जाने की शर्त पर शिवसेना UPT भी साथ आ सकती है। ऐसा करके संघ और बीजेपी शरद पवार की संभावित गुगली को बेकार कर सकती है। शिवसेना UBT नेता संजय राउत ने चुनाव के बाद देवेंद्र फडणवीस को नितिन गडकरी के जरिए ही निशाने पर लिया था। राउत ने कहा था कि फडणवीस ने वहां पर सही से समर्थन नहीं किया। फडणवीस भी नागपुर से आते हैं, वो नागपुर से विधायक हैं। नितिन गडकरी पहली बार 2014 में चुने गए थे। तब ऐसा माना गया था कि मोदी लहर के चलते उन्होंने कांग्रेस के नेता विलास मुत्तेमवार को हराया था। 2019 लोकसभा चुनाव में नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष नाना पटेल को शिकस्त दी थी। उस चुनाव में गडकरी जीते थे, लेकिन उनकी जीत का मार्जिन 2014 की तुलना में घट गया था। गडकरी 2.16 लाख वोटों के अंतर से जीते थे। गडकरी के सामने जहां लगातार तीसरी बार न सिर्फ जीत की चुनौती थी बल्कि अंतर भी बढ़ाने का दबाव था, तो वहीं कांग्रेस उलटफेर की कोशिश कर रही थी। नितिन गडकरी ने चुनाव के पूर्व एक कार्यक्रम में कहा था कि काम वाले का नाम कम होता है। वह कई मौकों पर विपक्ष की तालियां बटोर चुके हैं। नितिन गडकरी बीजेपी के उन नेताओं में शामिल है जिनका मुरीद विपक्ष भी है। विपक्ष के कई नेता खुले तौर पर नितिन गडकरी की तारीफ कर चुके हैं। नितिन गडकरी अपनी साफगोई के लिए जाने जाते हैं। विपक्ष उनके कद को कम करने के लिए लगातार उन पर निशाना साधता आया है। कांग्रेस ने जब 2024 के चुनाव के लिए पहली हुंकार भरी थी, तब पार्टी की ओर से नागपुर में बड़ी रैली की गई थी। राहुल गांधी ने इस रैली में सीधे सीधे RSS को निशाने पर लिया था। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि अभी तक जो तस्वीर दिख रही है उससे यह पता चल रहा है कि बीजेपी को अपने बूते बहुमत मिलता नहीं दिख रहा है। तो क्या नरेंद्र मोदी तीसरी बार PM बनेंगे? उनके अब तक के करियर को देखें तो उन्होंने कभी अल्पमत की सरकार का नेतृत्व नहीं किया। ऐसे में चर्चा सामने आ रही है, लोकसभा चुनाव के परिणामों में अपेक्षित नंबर नहीं मिलने पर RSS चिंतन और मंथन की मुद्रा में आ गया है। सिर्फ RSS सक्रिय नहीं हुआ बल्कि महाराष्ट्र में शरद पवार के भी एक्टिव होने की बात कही जा रही है। ऐसे में जो पार्टी पहले मराठा कार्ड खेलेगी वही बाजी मार सकती है। अगर बात करें देश की राजधानी दिल्ली की, तो 7 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी जीत हासिल करते दिखाई दे रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी में बीजेपी को शिकस्त देने के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के तहत हाथ मिलाया था, मगर जनता ने दोनों गठजोड़ को सिरे से खारिज कर दिया। आम आदमी पार्टी ने 4 और कांग्रेस ने 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। है कि ये पसीने छुटाए हैं यहाँ पर, ये इस वक्त देखिए नागपुर से नितिन गडकरी 3,000 वोट से आगे है क्योंकि शुरुआत है। तो अभी आंकड़ा जैसे आपने कहा कि बढ़ेगा, नितिन गडकरी के लिए भी खबरें ये आई थी कि उन्हें खुद उनकी पार्टी में लोगों ने हराने की काफी कोशिश की है, क्योंकि नितिन गडकरी खुद एक मजबूत नाम है, एक मजबूत चेहरा है और पूरे चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा इन्हीं के काम को लेकर के गुणगान किया गया। इस बात से एग्री करते हैं आप चंदन जी? बिल्कुल सही बात है। आप नितिन गडकरी जी ने काम किया सड़क को लेकर, मोदी जी ने, PM मोदी जी ने भी जब जाते थे, वो भाषण देने जाते थे, तो वहां पे उन्होंने सड़क के बारे में भी वो उसको मुद्दा बना देते कि सड़क में इतना काम हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना काम हुआ। लेकिन इस पे मैं एक बात और याद दिलाने, देखिए आंकड़ा बढ़ते जा रहा है, 170 हो रहा है, 169 इंडिया लैंड, जो कि किसी एग्जिट पोल ने नहीं दिया था। और आपको याद होगा विनेता जी, हम लोग जब थे बिहार के इलेक्शन में क्या हुआ था, जब सुबह सुबह चैनलों ने अनाउंस कर दिया कि जो है बीजेपी वहां पे जीत गई, सरकार बनने वाली बिहार में, तो वो एक लैंडमार्क समय था जिसको कि लोग उदाहरण देते हैं कि कैसे एग्जिट पोल, चैनलों के एग्जिट पोल या फिर चैनलों में जो शुरुआती रुझान दिखाए जाते हैं कैसे वो गलत साबित होते हैं। तो वो बिहार वाला जो वाकया था कि मैच, मुझे लगता है मैं भी उस समय न्यूज रूम में ही था, और सब मैच 15 मिनट के अंदर सब जगह ये हो गया कि अब जो है वहां पे RJD कांग्रेस का सफाया हो गया। आम आदमी पार्टी पंजाब और दिल्ली मिलाकर 4 सीटों पर आगे है यहाँ पर जी, आंकड़े लगता और आगे जाएंगे जिस तरह से आपके पास ट्रेंड आ रहे हैं। 169 सीटों की बात आ गई है सामने इंडिया की, क्या आपको लग रहा है कि आंकड़ा भी आगे बढ़ेगा और इससे नीचे भी जाने की गुंजाइश रहने वाली है इसमें? क्योंकि बड़ा सवाल यही है कि देश में एक सवाल मेरा ये भी है, आप दोनों से है ये सवाल मेरा, कि देश में जब सरकार बनती है, मेरा ये मानना है कि जब मेजोरिटी, बहुत मेजोरिटी के साथ कोई पार्टी आती है वो पार्टी के लिए अच्छा होता है, और जब टक्कर में आती है, मतलब विपक्ष भी अगर मजबूत होता है तो वो देश के लिए अच्छा होता है। क्या इस बात से एग्री करते हैं आप?
ऑब्वियसली विपक्ष मजबूत रहना ही चाहिए, ये लोकतंत्र है, राजशाही तो परंपरा है नहीं यहाँ पे, हमारे देश में लोकतंत्र है जहाँ पे कि विपक्ष सरकार को कंट्रोल कर, इवन प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने इंटरव्यूज में कहा है कई बार कि भाई हम, उन्होंने एक जगह तो ये भी कहा कि मेरा जो रोना रहा या मेरी जो ये रही पीड़ा रही कि मुझे एक मजबूत विपक्ष नहीं मिला, मतलब उस पर अलग राय हो सकते हैं लेकिन इस बात को वो भी मानते हैं और उन्होंने भी कहा है। तो विपक्ष ये लोकतंत्र है, कोई राजशाही नहीं है कि यहाँ पे जो एक सत्ताधारी पार्टी या रूलिंग जो है वो जो चाहेगा वो होगा। तो विपक्ष को मजबूत होना ही चाहिए ताकि सरकार के हर गलत काम पे वो ब्रेक लगा सके। अच्छा विनीता जी, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी बात करते हैं कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए, तो फिर जैसे मान लो जो विपक्ष के नेता हैं उनको कमजोर करने के लिए जेल क्यों भेजा जाता है? अगर उनको जेल भेजा जाता है तो नरेंद्र मोदी जी विपक्ष से डरते हैं ना, विपक्ष को कमजोर वो देखना थोड़ी चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत हो। वो जो बात करते हैं असल में उस तरह के जो है प्रधानमंत्री है नहीं है। अगर वो चाहते कि विपक्ष मजबूत हो तो जो है जो विपक्ष के नेता है उनको जेल नहीं भेजते वो कहीं ना कहीं। जी विनीता जी, ये बहुत सही सवाल है, ये बात बिल्कुल सही है कि जी चंदन बताइए। राजकुमार जी देखिए, जेल भेजने वाली बात पे आप ऐसे नहीं कह सकते कि जेल नहीं भेजते, कहीं ना कहीं देखिए इस पे आप सीधा अपने कि विपक्ष में तब जेल नहीं भेजेंगे। भाई अगर आपने गलत किया है तो नियम कानून कुछ उसमें हो सकता है कि उसको गलत फॉलो किया गया हो, है ना, लेकिन ये नहीं कह सकते ना कि विपक्ष में तो आपने कुछ गलत किया तो आपको जेल नहीं भेजा जाएगा। जेल तो अगर नियम है और अगर आप सही पाए जाते हैं तो आपको गलत, और सही पाए जाएंगे तो आपको कुछ किया भी नहीं जाएगा। उसमें उसमें अगर आंकड़े देखे जाए तो अभी पिछले 10 साल में जो आंकड़े देखे जाए तो विपक्ष के नेताओं को ज्यादा जेल में डाला गया है, जबकि अगर आप जो एनडी है उसके नेताओं को आंकड़ा देखा जाए तो उनको नहीं डाला, तो कहीं ना कहीं सवाल तो है ना। बिल्कुल सही बात है, सवाल है, इस सवाल से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये भी कहना तो ठीक नहीं है ना कि विपक्ष है तो अब आपको नहीं भेजेंगे। अब देखिए राजनीति है, इसमें राजनीति है। अभी आप अभी ब्रजभूषण की बात कर रहे थे चंदन, ब्रजभूषण का मामला इतना सीरियस मामला, इतनी FIR हो जाना, इस तरह के गंभीर आरोप लगना, वो भी उन महिलाओं द्वारा जिन्होंने देश का नाम रोशन किया। हालांकि इसमें दो तरह की थ्योरी आ रही थी, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, हमें दोनों पक्ष देखने चाहिए। इसमें दो तरह की थ्योरी आ रही थी, एक पूरी तरह का प्रोपेगेंडा भी हो सकता था, लेकिन कहते हैं कि जांच तो कम से कम उस स्तर पर चीजें जब जाती हैं और तस्वीर साफ होती है, लेकिन बीजेपी ने तो जैसे ब्रजभूषण को शुरू से क्लीन चिट ही मान के रखा, गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। आपको मालूम है किस तरह से शुरुआत में 2019 के पास में अगर बात करें तो उस वक्त में उत्तर प्रदेश के ही आप चिन्मयानंद की बात कर लीजिए, और एक वो जो रेप का केस लगा था उन्नाव को लेकर के बीजेपी के नेता पर, वो सब देख लीजिए आप। उन स्थितियों में कितने कितने दिनों के बाद में एक्शन हुए, और यहाँ पर जब हम बात करते हैं केजरीवाल की, तो केजरीवाल को रातों रात उठाने के लिए मजबूत प्लानिंग, पीएम मोदी जो है वो अपना विदेश दौरा जो है वो 2 दिन टाल देते हैं, भूटान जा रहे थे उन्होंने उसको टाल दिया और सारी चीजें अपने सामने हो गई, ठीक है मुख्यमंत्री अरेस्ट हो गए, ठीक है केजरीवाल ने भी अपना मुख्यमंत्री पद नहीं त्यागा उन सबके बीच में, लेकिन हाँ उनके अरेस्टिंग के बाद फिर वो गए। कुल मिलाकर ये है कि कुछ ना कुछ एक माइंडसेट है जो निष्पक्ष मोड में नहीं जाता है। आज मैं एक बहुत सुंदर मैसेज देख रही थी अटल बिहारी वाजपेयी का, उसमें लिखा हुआ था, ये उन्होंने बोला था, ये उनका संदेश रहा था कि पत्रकार को सत्ता के साथ दोस्ती नहीं करना चाहिए, लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। और ऐसे एक वाक्य मुझे याद आता है जिसमें एक पत्रकार ने उनसे जब सवाल किया और तीखा सवाल किया कि माफ कीजिएगा, वो प्रधानमंत्री थे उस वक्त, तो उन्होंने बोला तुम अपनी जगह बिल्कुल सही सवाल कर रहे हो और ऐसे ही करते रहना, हमारा क्या, हम तो बदल जाएंगे, तुम बदले तो देश के लोकतंत्र को नुकसान हो जाएगा। तो ये वो खूबसूरती है जो कि होनी चाहिए, जो दिखनी चाहिए हमेशा। नरेंद्र मोदी जी ठीक है, सारी चीजें ठीक कर रहे हैं, इनकी जगह अगर विपक्ष में भी कोई ऐसा गलत करेगा तो हम उस पर भी सवाल उठाएंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ एक स्पेस आपको छोड़ना पड़ेगा। मैं राजकुमार जी की बात से यहाँ पर थोड़ा सहमत हूँ, आपको निष्पक्ष जैसे आप और हम देख रहे हैं चंदन, इसी तरह से निष्पक्ष होकर के प्रधानमंत्री को भी सोचना पड़ेगा, उसको भी सांसें देनी पड़ेंगी विपक्ष को थोड़ी। अभी अभी हमने कल रात को एक बड़ी खबर लगाई थी कि संसद के प्रमाइसिस में आपने गांधी जी की मूर्ति देखी है ना, आपने अंबेडकर की मूर्ति देखी है, उन मूर्तियों को वहां से हटा दिया गया है, उन मूर्तियों को
अब रकाबगंज की तरफ संसद के पीछे पिछवाड़े वाला जो जगह है वहां पर लगा देने की तैयारी चल रही है। अब ये जो फैसले हैं इस तरह के जो कि हमारे देश में, अब आप बहुत सारे कंट्री ऐसी हैं जिनकी पुरानी संसद है वो उसमें छेड़छाड़ ज्यादा नहीं करते हैं अगर जरूरत नहीं है तो, क्योंकि वो उस देश की एक खूबसूरती होती है। उसमें नई संसद हमने देखी, पुरानी संसद भी हमने देखी है। नई संसद में मुझे वो चीज महसूस नहीं हुई, मैं क्यों किसी की बुराई करूं, लेकिन नहीं महसूस हुई वो चीज उसके अंदर, वो ग्रिप नहीं है उस तरह से, वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है आप एक बिल्डिंग के अंदर घुस गए और घुसते चले जा रहे हैं कॉरिडोर के अंदर। और वहां पुरानी संसद की आप तस्वीर देखिए, उसके कॉरिडोर इतने खूबसूरत है, जो हम ये नहीं कहते वो ब्रिटिशर्स ने बनाए इसलिए खूबसूरत है, वो हमारी संसद है, हमारे लोग वहां बैठते हैं, वो हमारी संसद है, हमारी जगह है, तो ये बड़ी बात है। खैर, मैं आपके साथ इसी बात के सवाल पे आगे बढ़ूंगी। मेरठ से अरुण गोयल पीछे चल रहे हैं, मेरठ से अरुण गोयल पीछे चल रहे हैं। उन्होंने जब ट्वीट किया था तो उन्होंने ट्वीट कर दिया था, देखिए 100 इंडिया गठबंधन 185 सीटों पर जान में आ गए है ना, 258 सीटों पर एंटी चंदन बताइए जो वगैरह जो सारे एग्जिट पोल्स जो कह रहे थे उसके जो अभी ट्रेंड मिल रहे उसके हिसाब से एग्जिट पोल तो गलत साबित हो रहा है। अभी जो ट्रेंड मिल रहे 185 तो किसी ने नहीं कहा था, 185 तो किसी ने नहीं कहा था। और जिस तरह से देखिए विनीता जी, जिस तरह से हमने चर्चा की शुरुआत की थी जिस वक्त, उस समय जिस तरह से एनडीए का बढ़ रहा था सिर्फ, उससे लग रहा था कि अब अगले कुछ ही मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में वो 272-300 का आंकड़ा हो जाएगा। तो वही कह रहा हूँ, देखिए ये धीरे धीरे अभी बढ़ता जाएगा, अभी बहुत सारे राउंड बचे हैं। और एक बात जो मैं आपको कहना चाहूंगा, जो आप कह रही थी कि अब संसद का और इसमें, देखिए सही बात है, हो सकता है हमें खराब लगे कि हाँ भाई ये अच्छा नहीं हुआ, लेकिन इस बात को कौन तय करेगा? लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में जनता ही तो तय करेगी, जनता ही तो मालिक है। और उसके नुमाइंदे कौन है? नुमाइंदे हैं जो चुन के आते हैं, जो राजनीति में। तो इस बात को अगर हमें लगता है, आपको लगता है इतने बड़े फैसलों में नुमाइंदे तो वो भी हुए ना चंदन, जो विपक्ष में जीत कर आ रहे हैं, इतने बड़े फैसलों में आपको आपसी एक कोऑर्डिनेशन के साथ बड़े फैसले लेने चाहिए। आपको नहीं लगता है यहाँ पर अपने मुताबिक आपको पता लगा कि आधा कुछ घर का हिस्सा आपको मिला और उससे ज्यादा मुझे मिला, लेकिन मैंने घर की खिड़की या घर की छत सब बदलवा दी अपनी मर्जी से और आपसे पूछा तक नहीं, कम से कम पूछने का तो बनता है ना। आप बिल्कुल सही कह रही, मैं कह रहा हूँ कि ठीक है हम मान लेते हैं आपकी बात, कुछ गलत हुआ, लेकिन इस बात को जनता तक कौन ले जाएगा? विपक्ष के नेता जो सांसद वो तो ले जाएंगे ना, जनता ही तो वोट करेगी, जनता ही तो तय करेगी कि नहीं भाई आपने ये गलत किया या आपने ये सही किया। उसी इसका मतलब ये भी कह लेना कि विपक्ष जो है उन मुद्दों को जनता तक नहीं ले पाया, ये भी तो कह सकते हैं ना। विपक्ष भी जो है वो जो उन्होंने कॉल फेंकी वो उन्हीं पे खेलते रहे। विपक्ष ने कई मुद्दों पर आवाज उठाई थी, देखिए 450 सीटों का आंकड़ा पार हो गया है रुझानों में, यहाँ पर तस्वीर जो सामने आने लगी है 258 सीटों पर। नमस्कार, और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर, और ज्यादा जानकारी के लिए आपको